तो जैसा कि मैंने आपको जो है S24 सीरीज़ वाली वीडियो में बताया था कि सैमसंग जो है स्टैक बैटरी टेक्नोलॉजी और यूज़ करने वाला है S24 अल्ट्रा में, जिसकी मदद से जो है आपको थोड़ी सी फास्ट चार्जिंग और देखने को मिल जाएगी, साथ जो है आपको बैटरी बैकअप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं गैलेक्सी S24 अल्ट्रा की बिल्ड की। तो जैसा कि आपको पता है कि सैमसंग जो है अपने अल्ट्रा फ़ोन में जो है काफ़ी ज़्यादा फीचर्स वगैरह देता है, जैसे कि उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी बैटरी आपको देखने को मिलती है, साथ जो है उसमें आपको जो है एस पेन की सपोर्ट मिलती है, और एस पेन जो है वो इंटीग्रेटेड सैमसंग जो है अल्ट्रा सीरीज में अभी दे रहा है, जिससे जो है उसका वेट जो है काफी ज्यादा हो जाता है। और आपको ये भी पता होगा कि सैमसंग जो है अपने अल्ट्रा फोन में जो है एल्युमिनियम का जो है फ्रेम वो देता है, और स्टेनलेस स्टील का फ्रेम जो है वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जो है स्टेनलेस स्टील जो है काफी ज्यादा जो हैवी मटेरियल है, और एल्युमिनियम की बात करें तो वो जो है काफी ज्यादा लाइट वेट है। इसलिए जो है सैमसंग अपने डिवाइसेज को लाइट वेट बनाने के लिए एल्युमिनियम का जो है वो यूज करता है, ताकि जो है अल्ट्रा में जो है काफी ज्यादा चीजें दी जा सके और साथ जो है उसका वेट भी कम हो। तो अभी जो है सैमसंग S24 अल्ट्रा में यूज करने वाला है टाइटेनियम को, क्योंकि जो है टाइटेनियम जो है काफी ज्यादा लाइट वेट है, साथ जो है काफी ज्यादा ड्यूरेबल है एल्युमिनियम के मुकाबले में, और टाइटेनियम को जो है काफी ज्यादा अरसे तक जो है यूज किया जा सकता है, क्योंकि थोड़े टाइम बाद जो है एल्युमिनियम के ऊपर जो है डेंट्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जो है सैमसंग जो है यूज करने वाला है टाइटेनियम को S24 अल्ट्रा में। बाकी दो मॉडल्स में जो है आपको टाइटेनियम देखने को नहीं मिलेगा, उससे अगले साल शायद जो है सैमसंग दे दे। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।